हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने अल्मांडा के प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसके ऊपर फ्लावर्स बंचेस में आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये फुल समर की, जून की समर है। और जो है इस प्लांट की पतली पतली सी स्टेम्स हैं, देखिए देखिए पतली पतली स्टेम्स हैं, फिर भी हर स्टेम के ऊपर बंचेस में फ्लावर आए हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और कुछ इसके ऊपर अभी बडिंग वगैरह भी हुई पड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये समर्स में ब्लूम करने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए, इस पर भी बडिंग आई हुई है। तो ये अभी तो ये प्लांट वैसे तो 3-4 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसकी स्टेम जो है वो बहुत ही अभी पतली हैं। और जैसे ये फ्लावर स्पेंड करेंगे तो मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर लूँगी। और जैसा कि ये समर्स में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, तो जब फरवरी का मंथ आएगा, स्प्रिंग आएगा, तब मैं इसके ऊपर हार्ड प्रूनिंग करूँगी, ताकि जो है ये प्लांट जो है थोड़ा सा और भी थिक हो जाए और इसके साथ नई इसकी ब्रांचेस डेवलप हों। और जो थंब रूल है किसी भी प्लांट को थिक करने का और उसको जो है थोड़ा सा ड्यूरेबल बनाने का, कि उसको जो जब उसका ऑफ सीज़न होता है तब हमें उसकी हार्ड प्रूनिंग कर लेनी चाहिए, ताकि जो प्लांट है वो उसका सारा का सारा जितना भी जो ध्यान है उसके अपने अपनी ग्रोथ के ऊपर पड़ जाता है, बजाय ज़्यादा ब्रांचेस होने के या लंबी लंबी ब्रांचेस के जो उसकी स्टेम के आसपास है, उसके पास उसका न्यूट्रिशन इकट्ठा होता है, तो वो जो है अपनी उसकी ग्रोथ के साथ साथ जो प्लांट भी स्ट्रांग बनता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि समर्स में ब्लूम करने वाला प्लांट है, लेकिन हमें जो है जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको सेमी शेड में या 2 या 3 घंटे की धूप में रखना चाहिए, उससे ज़्यादा धूप नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि अगर ये प्लांट छोटा है, जैसे जैसे प्लांट पुराना होता है, वैसे वैसे मैं बार बार बताती हूँ, जैसे जैसे प्लांट पुराना होता है उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी टॉलरेंस बढ़ती जाती है। तो हमें तब इसको हम जो है 5 to 6 hours की हीट में रख सकते हैं, सन रेज़ वगैरह ये टॉलरेट कर लेगा। अदरवाइज़ इसे हमें 2 या 3 hours से ज़्यादा की सन रेज़ वगैरह में ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना चाहिए। रही इसकी सॉइल की बात फ्रेंड, इसकी भी सॉइल जो है मैं वही 50% गार्डन सॉइल और 50% जो है मेरी कंपोस्ट है। देखिए, अभी मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की हुई है, लेकिन स्टिल इसकी जो सॉइल है बिल्कुल ड्राई है, लेकिन बहुत सॉफ्ट है। तो जब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी तो इसकी जो सॉइल है वो अपने आप ही जितना वाटर रिक्वायरमेंट होगी उतना एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी जो है पानी को सारा का सारा वो ड्रेन कर देगी, और जितना मॉइस्चर मेंटेन करना होगा सॉइल अपने अंदर मेंटेन कर लेगी। इसे जो है समर्स में हमें डेली पानी देना चाहिए, और विंटर्स में हमें एक दिन छोड़ के प्लांट को पानी देना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में जो है वाटर एवेपोरेशन कम हो जाता है, इसलिए जो है प्लांट की सॉइल के अंदर पानी बना रहता है। और रही फर्टिलाइज़र की बात, तो कोई भी फ्लावरिंग या फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उसको जो है हमें हर मंथ जब ज़्यादातर उसमें फ्रूट्स या फ्लावर्स आते हैं तो उसे हर मंथ जो है इवनिंग के टाइम थोड़ा सा ज़रूर हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए, एक मुट्ठी या एक हैंडफुल। और जब हम इसको ऑफ सीज़न होता है स्प्रिंग वगैरह के टाइम जो है हमें इसमें एक अच्छे से ऊपर की लेयर हटा के इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर देना चाहिए, ताकि ये जो है नेक्स्ट ब्लूम के लिए हमें उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाए। फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो मेरी अल्मांडा प्लांट को लेकर। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।